हेलो दोस्तों, आज मैं चना दाल बना रही हूँ लौकी वाली। इसके लिए चाहिए लौकी एक कटोरी, चना दाल इसे अच्छी तरह से धो लें, अब इसे कुकर में डालें। दो बड़ी इलायची जिसका मुंह खुला हुआ है, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, हल्दी डालेंगे, अब पानी डालें और इसे चार सीटी लगा दें। तब तक मैं लौकी काटूंगी। लौकी को मोटा काटें, इस तरह से लौकी को काट लिया मैंने। अब मैं मसाला तैयार करूंगी। छोटी इलायची, काली मिर्च, जावित्री, दालचीनी, लौंग, जीरा सबको एक साथ पीस लूंगी। दाल चार सीटी लग गई है दाल में, अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है। थोड़ा दाल को क्रश करें, अब इसमें गरम मसाला डालूंगी। अब लौकी डालूंगी, पानी कम लग रहा है इसमें पानी मिलाऊंगी। इसमें दो हरी मिर्च डालूंगी, तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब एक सीटी लगाना है, ज़्यादा ना लगाएं। दाल बन चुकी है, अब एक फ्राई पैन में घी गरम करें। इसमें एक तेज पत्ता, जीरा, एक लाल मिर्च, एक प्याज को बारीक कटा हुआ, सबको भूनेंगे। आप इसे रोटी चावल के साथ खा सकते हैं। अब इसमें कश्मीरी मिर्च डालूंगी रंग के लिए,
ये तीखा नहीं होता है। अब दाल को तड़का लगाएंगे। ये दाल तैयार हो चुका है। सर्व करने के लिए तैयार हो गया।